So let us go ahead with next question. Example 5.9. Calculate the period of revolution of a polar satellite orbiting close to the surface of Earth. Given radius of Earth is 6,400 किलोमीटर, g की वैल्यू 9.8 बताइए आपको. पोलार सैटेलाइट का टाइम पीरियड मैंने आपको थ्योरी में ही बता दिया था, इफ यू रिमेम्बर, 85 मिनट्स रफली रफली. तो आप जब कैलकुलेशंस करोगे तो रिमेम्बर आपको जो फाइनल आंसर है वो 85 मिनट्स के आसपास मिलना चाहिए. तो नाउ वी नो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर. तो अभी सिर्फ कैलकुलेट करना है हमको टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. आर की वैल्यू दी है 6,400 किलोमीटर. आर इक्वल टू इसको लिख लेंगे 64 × 10^5 मीटर. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10^3, और एक दो जीरो है तो 10^5, तो 10^5 ये आर आ गया. एंड जी की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है. तो सपोज टू फाइंड आउट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है. और हमने कल के ही सेशन में वी हैव डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट? 2 pi under root of क्लोज बोला है ना, क्लोज तो क्लोज बोला तो आर बाय जी. अगर क्लोज नहीं बोला होता तो आर प्लस एच अपॉन जी एच. तो टू सिंपल. तो टी इक्वल टू 2 pi under root of r, इट इज 64 × 10^5 अपॉन 9.8. 2 pi की वैल्यू इट इज 6.28, 64 का रूट इट इज 8, अंडर रूट ऑफ 64 का रूट तो आ गया 10^5 को लिख लेते हैं 10 × 10^4 अपॉन 9.8. तो दिस इज इक्वल टू 6.28 × 8, 10^4 का रूट आ गया 10^2. 10 by 9.8 ये 1.02 के आसपास आता है, क्योंकि 10 by 9.8, 10 and 9.8 they are very near to each other. तो 10 by 9.8 1.02, इसका भी रूट लोगे तो लगभग सेम आएगा. इफ यू टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका अगर रूट लेते हो तो स्क्वायर रूट विल बी मोर और लेस सेम. 1.01 के आसपास आता है इसका रूट, तो 1.01 इसका रूट लेने के बाद 1.01 मिल जाएगा आपको. सबको मल्टीप्लाई करो, एक काम करो, ये 10^2 है ना, इसको दे दो, मतलब ये बन जाएगा 628. तो 628 इंटू 8 इंटू 1.01, 628 × 8, 628 × 8 इंटू 1.01, 5074.24. तो 5075 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली ये सेकेंड में है. क्यों सेकेंड में है? क्योंकि आर आपने लिया मीटर में, दैट इज एसआई यूनिट. जी के वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, दैट इज ऑल्सो एसआई यूनिट. तो फाइनल आंसर किस में आएगा? एसआई यूनिट. एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. अगर मुझे सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 60. तो इफ यू डिवाइड बाय 60, डिवाइड दिस नंबर बाय 60, कितना आया? 84.57. तो 84.58 मिनट के आसपास आपको आंसर मिलेगा. दैट वी ऑलरेडी न्यू, क्योंकि पोलार सैटेलाइट का टाइम पीरियड 85 मिनट होता है, पता ही था. तो हमारा आंसर 84.58 आया, करेक्ट आंसर है. तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल 5.10 सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक 5.11, क्योंकि 5.9 दो बार प्रिंट हो गया, डज नॉट मैटर, नंबरिंग का गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनीवेज, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट क्लोज टू इट्स सर्फेस. ये क्लोज वर्ड इंपॉर्टेंट है. तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अ प्लैनेट. ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर पीरियड of satellite in terms of density rho and radius r of the planet. आपको time period का formula find करने के लिए बोला है in terms of rho and r. Simple. So we will directly start by finding out the formula. What is time period of satellite?
पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। आर बाई जी क्यों? क्योंकि इट वॉज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सर्कल ऑफ अर्थ। और बेसिकली हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा, तो इसलिए वो सेम फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने। वी कुड हैव यूज सम डिफरेंट फॉर्मूला आल्सो, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज 2π√ ऑफ आर बाय जी। आपको क्या बोला है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी कहाँ से लाते हो? मास से। तो पहले इसमें मास, कल इक्वेशन में मास लाना पड़ेगा। क्या से लाओगे मास? यू नो व्हाट इज जी? व्हाट इज जी? जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये जी एम बाय आर स्क्वायर यहाँ सब्सटीट्यूट करो, तो फ्रॉम वन एंड टू पी इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ आर बाय जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये बन गया आर क्यूब। तो टी इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय जी एम। बट एज यू रिमेम्बर, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो व्हाट इज मास? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये सब्सटीट्यूट कर दो, तो देयर फोर टी इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी इंटू मास। लेकिन मास क्या है? रो इंटू वॉल्यूम। अगर हम लोग प्लैनेट को अगर हम लोग स्पीयर मान ले, स्पीयर, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 πr³। तो ये आर क्यूब और ये आर क्यूब हो गया, कैंसल आउट, बराबर, गुड। तो टी इक्वल टू 2π, ये जो 4 है इसका रूट 2 आउटसाइड, ये 3 ऊपर गया, तो 3 क्या बचा? जी इंटू रो इंटू पाए, बराबर है ना? जी इंटू रो इंटू पाए, 2 और 2 भी हो गया कैंसल। ये पाए को स्क्वायर रूट के अंदर भेज दो, पाए स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो भी जाएगा? स्क्वायर। तो क्या आएगा? 3π² अपॉन जी इंटू रो इंटू पाए, एक पाए कैंसल, तो कितना आ गया? 3π/0 हो गया, सिंपल। तो वी हैव स्टार्टेड ऑफ विथ टाइम पीरियड इक्वल टू रूट ऑफ आर बाई जी, क्योंकि क्लोज टू सरफेस हुआ था इसलिए। तो आर बाई जी स्मॉल जी जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो ये स्मॉल जी है ना, वहां पे जी एम बाई आर स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दिया हमने, तो क्या मिल गया? 2π अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाई जी एम। एम क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो एम की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर प्लैनेट स्फेरिकल है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³। आर क्यूब कैंसल, 3 ऊपर गया, 4 बाहर आके 2 बन गया, 2 2 कैंसल, 3 अपॉन जी इंटू रो इंटू पाई रूट के अंदर, ये पाई को अंदर भेज दो, पाई स्क्वायर, एक पाई कैंसल एंड डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 हमारा हो गया था। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2, इफ द अर्थ वेयर मेड ऑफ वुड, मतलब अर्थ ये अगर वुड का बना होता, द मास ऑफ वुडन अर्थ वुड हैव बीन 10% एज मच एज इट इज नाउ। तो अभी का जो करंट मास ऑफ अर्थ है उसका सिर्फ 10% होता। व्हाट इज करंट मास ऑफ अर्थ? 6×10^24 किलोग्राम विदाउट चेंज इन डायमीटर। तो डायमीटर इज सेम लेकिन मास कम हो जाता ऑफ कोर्स। कैलकुलेट एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस अर्थ, दिस मतलब वुडन अर्थ। तो वेरी सिंपल, गिवन पैरामीटर में आपको बोला है अगर अगर अर्थ ये वुड का होता तो मास ऑफ वुडन अर्थ इज 10% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। 10% मतलब 10/100, 10/100 मतलब 1/10, तो m/10। ओके गुड, डायमीटर रेडियस सेम बोला है, बराबर। आपको बोला है व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ दिस अर्थ, दिस अर्थ मतलब वुडन अर्थ। तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी, कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, गुड। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गुरुत्व अर्थ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी? अंडर रूट ऑफ 2 gm बाय, करेक्ट। डायमीटर क्या बोला इन्होंने? सेम, मतलब रेडियस भी सेम। जी तो वैसे भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, तो एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम। तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम वुडन अर्थ अपॉन अपॉन करंट वैल्यू, एस्केप वेलोसिटी किसको प्रोपोर्शनल है? रूट ऑफ मास को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मास ऑफ वुडन अर्थ अपॉन मास। व्हाट इज मास ऑफ वुडन अर्थ अपॉन मास? क्या आएगा रेशियो? क्या आएगा, क्या आएगा? 1/10। तो 1/10 आएगा, देयरफॉर दिस इज रूट ऑफ 1/10। Therefore, this is equal to v upon root 10. v की वैल्यू अभी बताई थी 11.2। What is root 10 का वैल्यू? root 10 3.2 के आसपास आता है ना, root 10 पक्का। square root of 10, square root of 10 नहीं पता? पता है कि नहीं पता? square root of 10, what is square root of 10? अरे व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10? लगभग है आपके पास, अब 3 पॉइंट समथिंग आएगा तो पता ही है मेरे को, लेकिन 3.16, 3.16, 11.2 डिवाइडेड बाय 3.16 अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए? इलेवन में टू था ना वो, 11.2 डिवाइड बाय 3.16 कितना आना चाहिए आपके? 3.544, 3.544 मीटर पर सेकेंड। हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको 4 पैरामीटर पूछे हैं, लेकिन कैलकुलेट एक ही करना है। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास 2000 किलोग्राम ऑर्बिटिंग एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ। गिवन जी वैल्यू 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आर की वैल्यू दी है 6400 किलोमीटर। एम की वैल्यू मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10^24 किलोग्राम। तो बेसिकली आपको गिवन में सब कुछ दे दिया, मैं वापस देखूंगा नहीं। गिवन फाइंड क्या करना है आपको? यू आर सपोज टू फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड करना है? नंबर 1 क्या पूछा है? क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी। नंबर 2 क्या पूछा है? पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 3 टोटल एनर्जी एंड नंबर 4 बाइंडिंग एनर्जी। मैंने कल ही आपको ट्रिक बताया था कि इसको याद कैसे रखते हैं, हाउ टू रिमेम्बर फॉर्मूलाज ऑफ ऑल दिस। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर, आपको सिर्फ याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और पोटेंशियल एनर्जी का क्यों रखना है? क्योंकि ये बहुत जगह पे आएगा, वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन याद रख लेगा। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी याद रखने जाओगे तो कंफ्यूजन होगा। पोटेंशियल एनर्जी बहुत जगह पे यूज होगा, यू विल सी इन सीईटी जेईई नीट क्वेश्चंस आल्सो। तो बेटर इज टू रिमेम्बर दिस। डू यू रिमेम्बर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। फिर मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी होता है मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। मॉड मतलब नेगेटिव से हटा दो और डिवाइड बाय 2 कर लो। फिर मैंने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2 आर। फिर वी हैव सीन कि बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है सेम। तो बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है सेम, मतलब बेसिकली आपको सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करना है बराबर, बाकी जगह पे डिवाइड बाय 2 है और साथ में कहीं पे माइनस साइन है कहीं पे नहीं है। तो एक ही सिंगल कैलकुलेशन है ये। तो विल फर्स्ट, सबसे पहले वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। व्हाट इज स्मॉल आर? व्हाट इज स्मॉल आर? आर प्लस एच। आर कितना दिया हुआ है? 6400, और एच कितना है? 3600। ये है किलोमीटर में, तो कितना हो गया? 10,000।
तो ये आ गया 10,000 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10,000 मतलब 10^4, किलोमीटर को मीटर में करोगे तो 10^3, तो कितना हो गया 10^7, तो ये आ गया 10^7 मीटर, करेक्ट। अभी आर मिला है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना बाकी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी, जी की वैल्यू 6.67 × 10^11, कैपिटल एम कितना, कैपिटल एम 6 × 10^24, स्मॉल एम कितना दिया हुआ है, व्हाट इज मास ऑफ सैटेलाइट गिवन टू यू, कितना है 2000, मतलब 2 × 10^3 अपॉन अपॉन आर, आर कितना है 10^7, 10^-11 +24, 24 में से 11 गए 13, तो 10^13 और 3 16, न्यूमरेटर में 10^16 है, नीचे 10^7 है, तो 16 में से 7 गए कितना 9, तो 10^9 बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा 10^9, 10^9 बाकी मल्टीप्लाई कर लो 6 × 2 = 12, 12 × 6.67 75 के आसपास आएगा ना, 12 × 6.67 80, 80.04, 80.04 × 10^9 जूल। आंसर क्या दिया हुआ है, दिया होगा कुछ तो आंसर दिया होगा 80.0, ओके 10^9 है ना, यस। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी, जल्दी जल्दी, इट इज मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, मतलब इसका हाफ करना है, 40.02 × 10^9 जूल। व्हाट विल बी टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ काइनेटिक से माइनस साइन लगा दो, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो 40.02 × 10^9 डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, टू सैटेलाइट्स ए एंड बी आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, देयर पीरियड्स ऑफ रिवोल्यूशन आर 1 आवर एंड 8 आवर रेस्पेक्टिवली, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट बी इज 4 × 10^4 किलोमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, देर आर टू सैटेलाइट्स, पहले का टाइम पीरियड 1 आवर है, पहला मतलब ए सैटेलाइट हो गया, दूसरे का टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 8 आवर, मतलब बी सैटेलाइट, और बी सैटेलाइट का रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जो मैंने कल ही बताया था, रेडियस ऑफ ऑर्बिट मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सैटेलाइट, तो कभी कभी आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ ऑर्बिट बताएंगे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का मतलब होता है अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट के सेंटर तक का डिस्टेंस, कभी कभी आपको हाइट ऑफ सैटेलाइट बताएंगे, हाइट ऑफ सैटेलाइट इज मेजर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, और आपको सेकेंड सैटेलाइट का, बी सैटेलाइट का रेडियस दिया हुआ है, तो आर टू की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है 4 × 10^4 किलोमीटर, किलोमीटर में ही रखो, हम लोग पहले सैटेलाइट का मतलब ए सैटेलाइट का रेडियस भी किलोमीटर में फाइंड कर लेंगे, तो उनको आर वन फाइंड करने के लिए बोला है, तो जोक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच फॉर्मूला विल यू बी यूजिंग, कल ही डिराइव किया था, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, कल डिराइव किया था ना हमने, और अ सैटेलाइट टाइम पीरियड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस, तो इफ आई टेक क्यूब रूट, मैं क्यूब रूट क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए आर वन, यहाँ पे क्या है आर का क्यूब, तो पावर में 3 हटाना पड़ेगा, तो टेकिंग क्यूब रूट लॉगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकिंग क्यूब, पावर क्या करेंगे रेज टू 1/3, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 2/3, तो टी रेज टू 2/3 इज प्रोपोर्शनल टू आर, हो गया, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट आर वन, आर वन तो व्हाट इज आर वन बाय आर टू, रेशियो लेने तो क्या आएगा,
क्या आएगा? T1 by T2 raise to 2 by 3। वेरी गुड। R1 by R2 equal to T1 by T2। T1 कितना है? 1। T2 कितना है? 8 raise to 2 by 3। R1 by R2 equal to 1 raise to anything is 1। 8 raise to 2 by 3। पहले 8 का क्यूब रूट ले लो। What is क्यूब रूट ऑफ 8? 2। फिर 2 का क्या करोगे? स्क्वायर। मतलब कितना हो गया? 4। तो R1 by R2 क्या आ गया? 1 by 4। What is R1? What is R1? R2 by 4। What is R2? 4 into 10 raise to 4 upon 4 किलोमीटर में। तो व्हाट इज R1 वैल्यू 10 raise to 4। तो आंसर में या तो 10 raise to 4 किलोमीटर होगा या तो 10 raise to 7 मीटर होगा। 10 raise to 4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मास ऑफ सैटेलाइट इज 5.98 × 10^24 किलोग्राम एंड रेडियस इज 6.4 × 10^6 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ सैटेलाइट नहीं है, वो मास ऑफ अर्थ है। तो दे हैव गिवन यू मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ एंड हाइट ऑफ सैटेलाइट। और क्या पूछा है? स्पीड। स्पीड ओके। तो गिवन में यू हैव हाइट h, यू हैव रेडियस r, यू हैव मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ इज 5.98, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 6 करने वाला हूँ। 10^24, रेडियस तो 6.4 दिया ही है, × 10^6। हाइट दिया हुआ है 1000 किलोमीटर, मतलब 10^3 किलोमीटर, मतलब 10^6 मीटर हो गया। और क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? स्पीड। स्पीड बोला है ना, कौन सा स्पीड? सैटेलाइट कौन सा मोशन परफॉर्म करता है? सर्कुलर की इलेप्टिकल? सर्कुलर। तो मतलब कौन सा स्पीड? क्रिटिकल स्पीड। तो क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल स्पीड? अंडर रूट ऑफ GM/R। अंडर रूट ऑफ GM/R ही होता है वो, अंडर रूट ऑफ GM/r। ओके। तो व्हाट इज स्मॉल आर? आर प्लस एच। तो ठीक है, वी स्टार्ट सॉल्विंग। क्रिटिकल स्पीड VC इज अंडर रूट ऑफ GM/R+H, विच इज अंडर रूट ऑफ GM। व्हाट इज वैल्यू ऑफ G? 6.67 × 10^-11। और मैंने अभी बोला इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 6 लिखने वाला हूँ। आई नो इट इज 5.98, लेकिन 6। व्हाट इज R? 6.4 × 10^6 प्लस एच कितना है? 10^6। तो VC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10^24 और -11, मतलब 13। 10^6, 10^6 कॉमन निकाल लेंगे। ऊपर 10^13 था, नीचे 10^6 है। कितना आया? कितना हुआ? 10^7। बराबर, पक्का पक्का? ओके। तो 6.67 × 6/6.4। और ये +1 करना भूलना नहीं, क्योंकि तुमने जब 10^6 कॉमन निकाला तो पहले टर्म में क्या बचा? 6.4, दूसरे में क्या बचा? 1। तो कितना आएगा? कितना हो गए? 7.4। 7.4 होगा ना, होना ही चाहिए। तो 6.67 × ये 6 लिखा है, लेकिन एक्चुअल 5.98 है। कैलकुलेटर से ही करना है, तो आई जस्ट डू दैट। डिवाइड बाय 7.4, कितना आ गया? 5.39। ये 5.39 को 53.9 लिखूं और 10^6 चलेगा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर 10 का ऑड पावर हो तो तुम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल नहीं पाओगे। इसलिए बेटर ऑफ 53.9 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली क्या आया? 7 point something। तो 53.9 का रूट 7.34, 7.34, 7.34 × 10^6 का रूट 3। तो क्या वैल्यू दी है?
ये मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड डन। 7.34 इधर लिख देता हूँ मैं, 7.34 × 10^3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक 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 क्विक, अगला क्वेश्चन। अ प्लैनेट हैज मास 6.4 × 10^24 किलोग्राम, रेडियस ऑफ 3.4 × 10^6 मीटर। मतलब एक ऐसा प्लैनेट है जिसका मास लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली अर्थ जितना है, अप्रोक्सीमेटली, लेकिन रेडियस उसका अर्थ से आधा है अप्रोक्सीमेटली। व्हाट इज मास ऑफ अर्थ? 6 × 10^2। व्हाट इज मास ऑफ अर्थ? 6 × 10^24। और ये पैनल कितना है? 6.4 × 10^24। तो मास के कंपैरिजन में और सिर्फ थोड़ा सा ही ज्यादा मास है, लेकिन रेडियस उसका आधा है, और तो रेडियस है 6,400 किलोमीटर, इसका है 3,400। मतलब डेंसिटी ऑफ दिस प्लैनेट, एवरेज डेंसिटी अर्थ से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा ऑफ कोर्स, ज्यादा होगा ना, उतना ही मास आधे रेडियस में भरना है। तो ऐसा भी सोचना पड़ेगा आपको। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस प्लैनेट पर ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gm/r² होता है ना, gm/r², मास तो ज्यादा है, रेडियस कम है, रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है वो भी स्क्वायर वाला, तो रेडियस कम हुआ तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, तो इस प्लैनेट पे जी की वैल्यू बढ़ने वाली है। अब देखते हैं आगे बोला क्या है। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट, रिमूव एन ऑब्जेक्ट एन ऑफ मास 800 किलोग्राम फ्रॉम द सर्फेस ऑफ दिस प्लैनेट टू इंफिनिटी। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 800 किलो है, वो इस प्लैनेट के सरफेस पर रखा हुआ है, इसको यहां से रिमूव करना है, और रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है। मतलब क्या फाइंड करना पड़ता है? बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, बाइंडिंग एनर्जी ही बोलते हैं उसको। आपने बाइंडिंग एनर्जी फाइंड किया था फॉर अ सैटेलाइट विच वॉज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट एट हाइट। उस केस में सैटेलाइट के पास दो एनर्जी थे, कौन से दो? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो हमने बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के लिए क्या किया? हमने पहले फाइंड किया टोटल एनर्जी, थोड़ी टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। फिर हमने बोला कि इसको यहां से निकालना है, तो जितना एनर्जी है उतना ही दो, लेकिन विद अ नेगेटिव साइन। यहाँ पे भी सेम अप्रोच है, जो ऑब्जेक्ट है ना वो कहाँ पे है? अर्थ के सरफेस पे है, और रिमूव हो रहा है क्या? नहीं, रेस्ट पे है। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं, तो सिर्फ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहाँ तो काइनेटिक क्या है? जीरो, टोटल टोटल एनर्जी ओनली पोटेंशियल। तो तुम पहले इस ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी निकालोगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, और आगे क्या लगा दोगे? माइनस साइन, राइट? तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट, चाहे वो अर्थ के सरफेस से हो, चाहे वो हाइट से हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा हो, हर एक केस में इसको बाइंडिंग एनर्जी ही बोलते हैं। ओके, तो इसको एस्केप करवाना है, एस्केप करवाना है, तो एस्केप करवाने के लिए जो भी एनर्जी दोगे उसको नॉर्मली नॉर्मली बाइंडिंग एनर्जी ही बोलते हैं। तो गिवन क्या है आपके पास? मास ऑफ प्लैनेट है, कितना मास है? 6.4 × 10^24 kg। रेडियस ऑफ प्लैनेट है कितना? रेडियस ऑफ प्लैनेट 3.4, 3.6, 3.4, 10^6 मीटर। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जो उस प्लैनेट के सरफेस पे है, और आपसे पूछा है इसको यहां से रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब बाइंडिंग एनर्जी होता है। ओके, और मैंने आपको अभी अभी बताया कि बाइंडिंग एनर्जी हमेशा हमेशा ऑलवेज ऑलवेज होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी हमेशा होता है क्या होता है?
काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है सिंस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस, क्योंकि वो रेस्ट पे था, देयर फोर काइनेटिक एनर्जी क्या बन गया, जीरो। तो देयर फोर बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगा, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। कैपिटल आर क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, और के मतलब प्लैनेट के सरफेस में, सरफेस पे होगा तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ प्लैनेट एंड ऑब्जेक्ट इज कैपिटल आर। तो ये बन गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, ये बन गया आपके पास फॉर्मूला। अब आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁺, मास ऑफ प्लैनेट इज 6.4 × 10⁻², मास ऑफ दैट सैटेलाइट इज 800, सैटेलाइट मतलब ऑब्जेक्ट इस केस में, और रेडियस कितना है 3.4 × 10⁻⁶। 24 में से 11 गए 13, 13 में 2 ऐड हो गया 15, 15 में से 6 गया 9, तो 6.67 × 6.4 / 8 भी है। चलो ये सब एक साथ करके लिख दूंगा, लेकिन 10⁻⁹ जूल। ओके आंसर में देखो 10⁻⁹ दिख रहा है क्या, 8, 9, 10 ऐसा कुछ है, 10⁻⁹, 10⁻⁹। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब करेक्ट है। तो क्या क्या मल्टीप्लाई करना है हमको वो भी देख लो। 6.67 × 6.4 × 8 डिवाइड बाय 3.4 डिवाइड बाय 3.4 कितना आ गया, 100। परफेक्ट, अच्छा नंबर आया 100, गुड। 100.44 × 10⁻⁹, मतलब 10.044 × 10⁻¹ जूल। और एज आई एम अवेयर ऑफ इट, आंसर गलत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, हाँ तो करेक्ट कर लेना। 1 पॉइंट लिखोगे तो 10⁻¹⁺ लिखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ एट अ पॉइंट विच इज एट अ हाइट ऑफ 2 RE अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ एट अ पॉइंट विच इज एट अ हाइट ऑफ 2 RE अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻²⁴ किलोग्राम, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6,400 किलोमीटर, एंड जी वैल्यू आपको दिया है वापस से 6.67 × 10⁻²⁰ - 11 Nm²/kg². तो अभी गिवन सब दिया है, मैं वापस देखूंगा नहीं। I'll just write down what you are supposed to find out is gravitational potential. V should note करते हो कि V is not velocity, it is not escape velocity, it is not critical velocity, it is not volume. This is potential. And if you remember, the formula for gravitational potential was minus Vm by small r, where small r is r plus h. तो ये भी चीजें तुमको पता होनी चाहिए। You must now remember formulas. कैपिटल जी कैपिटल एम आर और एच सबकी वैल्यू आपके पास है। यू आर जस्ट सपोज टू पुट वैल्यूज हियर, तो वी इक्वल टू -6.67 × 10⁻²⁻¹ 6 × 10⁻²⁴ / r। रेडियस इतना दिया है 6,400 किलोमीटर में है, किलोमीटर में है, किलोमीटर में। एक काम करना, बेटर ऑफ हाइट कितना बोला है, हाइट हाइट कितना बोला है 2 RE, हाइट 2 RE दिया है ना, तो R plus 2 R V equal to minus Gm R plus 2 R मतलब 3 R, तो minus Gm by 3 R, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पर डायरेक्टली 3 लिख देंगे, 3 × R, 6,400 किलोमीटर था उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ लिख के। दिस इज वन द, दिस इज अफकोर्स टू द। अब एक काम करो और 10 के पावर एडजस्ट कर लो, 13 नीचे 5 है, ये 2 जीरो भी मिला लिए तो 5 है। ओके या फिर एक काम करना,
इक्वल टू -6.67 इंटू 10 रेस टू 13 अपॉन 6.4 इंटू 10 रेस टू 6, 6.4, तो 10 रेस टू 3 लिखना पड़ेगा, तो 10 रेस टू 3 और 10 रेस टू 3 10 रेस टू 6, ये दो जीरो निकालता तो 10 रेस टू 5 होता, लेकिन मैंने यहाँ पॉइंट लगाया 6.4, 10 रेस टू 6 हो गया, राइट? क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ आपको अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है इसके लिए, अप्रोक्सीमेटली 13 और 6 7, 6.67 इंटू 2 वो छोड़ दो, 6.67 अपॉन 6.4 इज रफली रफली 1, 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो आंसर 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 2.08 इंटू 10 रेस टू 7, 2.08 इंटू 10 रेस टू 7 क्या आएगा, यूनिट क्या आएगा, यूनिट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, तो जूल पर किलोग्राम ऐसे दिया होगा, दिया गया नहीं? नहीं तो जूल पर किलोग्राम है वो, डन। ओके, तो एक लास्ट टॉपिक हमारा बाकी है विच इज मोस्टली निग्लेक्टेड और इग्नोर्ड, लेकिन वी विल कंप्लीट, वेरी सिंपल टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस। वेटलेसनेस मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटलेसनेस? फीलिंग दैट वी डोंट हैव एनी वेट इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस। अब ये वेटलेसनेस हमको दो कंडीशन के अंडर स्टडी करना है, वन इज इनसाइड इन अ सैटेलाइट, नंबर टू इन अ लिफ्ट। लेकिन पहले ये समझ लो कि वेटलेसनेस का मतलब क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू सिट ऑन अ बेंच, योर वेट इज एक्शन ऑन द बेंच, और बेंच क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन करता है। आप अगर एक बेंच पे बैठे हो, आपका वेट बेंच पे क्या है, एक्शन है, बेंच ने आप पे क्या किया, रिएक्शन। क्यों किया? न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, माय वेट इज एक्शन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड प्लेटफॉर्म का जो रिएक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, राइट? अब इसके आगे और एक चीज याद रखना, वेट, योर रियल वेट, एक्चुअल वेट जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है एमजी। क्या होता है? एमजी, मास इनटू एक्शन इनटू ग्रेविटी इज कॉल्ड एज रियल वेट और एक्चुअल वेट। और जो नॉर्मल रिएक्शन बेंच आप पे लगा रहा है उसको बोलते हैं अपेरेंट वेट। क्या बोलते हैं उसको? अपेरेंट वेट। क्या बोलते हैं उसको? अपेरेंट वेट। जब आप एक वेइंग मशीन पे खड़े होते हो खुद का वेट मेजर करने के लिए, तो वेइंग मशीन जो भी दिखाएगा 60, 70, 65, 80 जो भी होगा वो, दैट इज नॉट योर एक्चुअल वेट, दैट इज योर अपेरेंट वेट। क्योंकि आप वेइंग मशीन पे खड़े रह गए, तो वेइंग मशीन पे जो आपने फोर्स लगाया, आपके वेट ने फोर्स लगाया, वो था एक्चुअल वेट। और जो वेइंग मशीन रिएक्ट करेगा वो आप मेजर करते हो, तो व्हाट यू आर मेजरिंग इज रिएक्शन फोर्स, राइट? व्हाट इज एक्चुअल वेट? एमजी। व्हाट इज अपेरेंट वेट? नॉर्मल रिएक्शन। तो हम लोग क्या मेजर करते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। तो कभी भी आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हो गए, योर वेट इज एक्शन ऑन दैट मशीन, और जो वेइंग मशीन है वो क्या करता है, नॉर्मली रिएक्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो जो भी आप मेजर करते हो इट इज नॉट एक्चुअल वेट, इट इज एपरेंट वेट, राइट? करेक्ट। ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है, एक्चुअल वेट इज इक्वल टू एपरेंट वेट, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एमजी, ऐसा होता है। ऐसा नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एपरेंट वेट एक्चुअल से ज्यादा दिख रहा है, हो सकता है एपरेंट वेट एक्चुअल से कम दिख रहा है, ये भी हो सकता है एपरेंट वेट जीरो दिख रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो, ऐसा भी होता है, उसको क्या बोलते हो? वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस का मैथमेटिकल मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो। आप जिस बेंच पे बैठे हो, अगर उस बेंच ने आप पे नॉर्मल रिएक्शन लगाना ही छोड़ दिया, तो सबसे पहला काम ये होगा कि यू विल लूज कॉन्टैक्ट विद द बेंच, और आपको लगेगा कि आपका वेट ही नहीं है। दैट इज वाई वी से दैट एन ऑब्जेक्ट फील्स वेटलेस। तो हमको दो कंडीशन में, वी वॉन्ट टू स्टडी इन टू डिफरेंट कंडीशन व्हाट इज दिस वेटलेसनेस। नंबर वन, इन अ सैटेलाइट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है तो अच्छे से ध्यान दो। इन अ सैटेलाइट व्हाट वी हैव इज, हमारे पास
एक सैटेलाइट है विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, तो दिस इज अर्थ, देयर इज अ सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ एट अ हाइट एच इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो ऐसा कुछ है। ओके, यहाँ पे एक सैटेलाइट है, मान लो ये एक सैटेलाइट है विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट? What will be acceleration of satellite? What will be acceleration of satellite? What will be acceleration of satellite? Gm by r square. कौन सा r? Small r. Gm by r square. Right. So consider a satellite which is revolving in circular orbit अराउंड अर्थ एट अ हाइट एच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, क्योंकि हाइट हम हमेशा सर्फेस से मेजर करते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सैटेलाइट अराउंड अर्थ इज जी एम बाई आर स्क्वेयर। यहाँ तक क्लियर? हम लोग जब बोल रहे हैं ना वेटलेसनेस, तो सैटेलाइट का वेटलेसनेस नहीं, हम बात कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की जो सैटेलाइट के अंदर है। अब तक हमने उसको दिखाया नहीं, यहाँ पे अब शो करेंगे। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन। द सिचुएशन इज दैट देयर इज अ सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट इज जी एम बाई आर स्क्वेयर, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख रखा था एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट अ हाइट एच, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी एम बाई आर स्क्वेयर, दैट स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच। अब इसके अंदर, इस सैटेलाइट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। यू हैव अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इन साइड दिस सेटेलाइट। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं सेटेलाइट को बड़ा दिखा देता हूँ, मैं तो कुछ समझेगा नहीं कि कहाँ से क्या आ गया। तो सेटेलाइट को थोड़ा सा मैं मैग्निफाई करके बता रहा हूँ, मैग्निफाई। ओके, नहीं तो बोलोगे सेटेलाइट बड़ा अर्थ छोटा, ऐसा नहीं होता है। सेटेलाइट का साइज अर्थ के कंपेरिजन में निग्लिजिबल है, वो तुमको पता होना चाहिए अब। ओके, तो इस सैटेलाइट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। सो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम मास एन। सो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एन इनसाइड द सैटेलाइट। जितना नेसेसरी है उतना ही लिखने वाला हूं, बाकी नोट्स में है आपके पास। अब ये जो मास एम है सैटेलाइट के अंदर, इस पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो देखना पड़ेगा पहले। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस मास, फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट और ऑन दिस मास आर, आर लिखा मतलब एक से ज्यादा है, तो दो फोर्सेस है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन वाइज टुवर्ड्स द सेंटर, तो एक है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज लेट अस से एफ जी, राइट? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी अपने तरफ खींच रहा था, जैसे आपको ग्रेविटी अपने तरफ खींच रहा है। आप किस पे बैठे हो? बेंच पे। तो आपने बेंच पे क्या लगा दिया? एक्शन। और वो एक्शन क्या होता है? एम जी। सिमिलरली मतलब ग्रेविटेशन फोर्स होता है। सिमिलरली ये मास किसके अंदर बैठा है? सैटेलाइट। इस मास को कौन खींच रहा है? अर्थ। तो अर्थ इसको क्या दे रहा है? वेट। लेकिन ये किसके कांटेक्ट में है? सैटेलाइट के। तो ये सैटेलाइट के फ्लोर पे क्या लगाएगा? एक्शन। व्हेन यू सिट ऑन द बेंच योर वेट इज एक्शन, व्हेन दिस मास सिट्स ऑन द फ्लोर ऑफ सैटेलाइट वेट इज द एक्शन। तो ये जो सैटेलाइट का फ्लोर है वो क्या करेगा? क्या करेगा, क्या करेगा? अरे एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो एक ऑब्जेक्ट अगर सैटेलाइट के अंदर है, उस पर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन। बराबर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट। नॉर्मल बोलते हैं इसके लिए उसको, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उस सरफेस को परपेंडिकुलर वो फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। यहां तक क्लियर है?
अब तक थोड़ा सा पिक्चर क्या है बता देता हूँ, बहुत सिंपल पिक्चर है। एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूम रहा था, अर्थ की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, सैटेलाइट का बोल रहा हूँ मैं, gm/r². अब इस सैटेलाइट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स FG, राइट। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है FG, ये अर्थ के सेंटर की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट ने अर्थ के सेंटर की तरफ जाना चाहिए था, नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, बिकॉज ऑफ द फ्लोर। तो ये ऑब्जेक्ट ने फ्लोर पे क्या लगा दिया, एक्शन। फ्लोर ने क्या कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन। तो ओवरऑल देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग, वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ एंड अदर इज नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू फ्लोर। मैंने क्लियरली बोला है फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस मास, मास पे दो फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल और नॉर्मल रिएक्शन, राइट। तो व्हाट इज नेट फोर्स, नेट फोर्स कभी भी इन एनी केस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी स्पेसिफिकली, ग्रेविटी स्पेसिफिकली नेट फोर्स, व्हाट इज नेट फोर्स। अगर मेरे पास दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो तो व्हाट इज नेट फोर्स, एडिशन। जीरो नहीं होता है, सेम डायरेक्शन में ऐड होता है, ऐड एडिशन। अगर अपोजिट में हो तो जीरो हो सकता है, होगा ही, ऐसा नहीं बोलोगे, हो सकता है। कब हो सकता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। लेकिन वेरी गुड गुड, तो यहाँ पे नेट फोर्स को मैं ऐसा लिखूं क्या, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, व्हाट इज डाउनवर्ड फोर्स FG, व्हाट इज अपवर्ड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, लिख सकते हैं ना ऐसा, यस बराबर। लेकिन व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मास इनटू किसका मास, ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन। और मैंने अभी अभी बताया था, अभी जस्ट नाउ, व्हाट इज FG, इट इज MG। नॉर्मल रिएक्शन को यहां लाओ तो MG - MA बराबर, एन इक्वल टू MG। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जी एट अ हाइट, gm/r². ये जी किस पे एक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे, और ए क्या था, gm/r², ये जो ए है, ये ए किस पे एक्ट हो रहा था, सैटेलाइट पे। लेकिन ये दोनों टर्म्स क्या आ गई, सेम। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, जीरो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का मतलब पता है क्या होता है, वेटलेसनेस, मतलब द ऑब्जेक्ट विल फील एज इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव एनी मास, एनी वेट, सॉरी, बराबर। तो जहां भी तुमको तो वेटलेसनेस शो करना हो वहां पे क्या शो करोगे, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू जीरो। यहां तक क्लियर, सैटेलाइट था, उसका एक्सेलरेशन था gm/r², उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स FG, एक है नॉर्मल रिएक्शन m। तो नेट फोर्स हो गया FG - m, लेकिन नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और वेट FG इज MG। नॉर्मल रिएक्शन को n ही रखा है हमने, तो आपको मिल गया n = mg - ma। g की वैल्यू और a की वैल्यू सेम है, तो mg - ma क्या हो गया, जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, जीरो। ये था केस नंबर वन। केस नंबर टू इज इनसाइड अ लिफ्ट, इन अ लिफ्ट, केस नंबर टू इन अ लिफ्ट। तो थोड़ा सा पहले इन अ लिफ्ट का केस हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इन डिटेल सीखते हैं, वी विल सी दिस केस इन डिटेल इन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अभी सिर्फ मैं तुमको यहाँ पे इंट्रोडक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। हमारे पास एक लिफ्ट था, लिफ्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, तो यू हैव एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक लिफ्ट को हमने मोशन में लाया नहीं है, लाएंगे तब देखेंगे, फिलहाल तो समझ लो, देयर इज अ लिफ्ट, देयर इज एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिफ्ट, व्हिच आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, एमजी वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। Mg इज द एक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर और नॉर्मल रिएक्शन इज रिएक्शन। तक क्लियर, करेक्ट, बराबर। हमको लिफ्ट के टोटल, इन टोटल चार केसेस स्टडी करनी है, चार केसेस। केस नंबर वन, लिफ्ट के चार केसेस। केस नंबर वन, या तो लिफ्ट स्टेशनरी है, या तो लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है। लिफ्ट स्टेशनरी होना मतलब लिफ्ट मूव होगा ही नहीं, करेक्ट। तो या तो लिफ्ट स्टेशनरी है मतलब वेलोसिटी जीरो है, या फिर लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होना
मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होना, मतलब एक्सेलरेशन कितना होना, जीरो। तो अगर लिफ्ट स्टेशनरी है, लिफ्ट स्टेशनरी, ये पहला केस है, और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मैंने कहीं नहीं बोला मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो अभी याद रखो, वेलोसिटी या तो जीरो है या फिर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इन दोनों ही केसेस में वेलोसिटी जीरो हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, व्हाट इज एक्सेलरेशन, जीरो। तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। तो नेट फोर्स मैंने अभी बताया था, नेट फोर्स कैसे हो गया, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, व्हाट इज डाउनवर्ड फोर्स, एम जी। और मैंने आपको अभी बताया एम जी को क्या बोलते हो, एक्चुअल वेट या फिर रियल वेट, क्या बोलते हो, एक्चुअल वेट या फिर रियल वेट। तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स कौन है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एपरेंट वेट, क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट। व्हाट इज नेट फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वल टू एम जी माइनस एन। लेकिन व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, जीरो। तो एम जी माइनस एन, तो व्हाट इज एन, एन क्या आ गया, एन आ गया इक्वल टू एम जी, एन को क्या बोला तुमने, अपरेंट वेट, और एम जी को क्या बोला तुमने, एक्चुअल वेट। इसका मतलब ये होता है कि जब तुम एक लिफ्ट में, स्टेशनरी लिफ्ट में या फिर ऐसे लिफ्ट में जो मूव हो रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसमें अगर तुम अपना वेट मेजर कर रहे हो, मतलब तुम अपरेंट वेट मेजर कर रहे हो, क्योंकि तुम मेजर क्या करते हो, नॉर्मल रिएक्शन, और तब तुमको जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू। एग्जाम्पल, अभी वी लिव इन अ स्मॉल टाउन, तो लिफ्ट तो जगह मिलेगा नहीं, तीन चार होटल्स है वहां पे लिफ्ट है, वहां पे वेइंग मशीन लेके जाओ, लिफ्ट के अंदर जाओ, बटन मत दबाओ, वेइंग मशीन रखो, उसके ऊपर खड़े हो जाओ, तो जो भी वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, तो क्या होगा, योर एक्चुअल वेट, मे बी इट इज शोइंग 70 किलोग्राम फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब लिफ्ट के बटन को दबाओ, दो केस बनेंगे इसमें भी, लिफ्ट मूविंग वर्ल्ड अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, तो ये दो केसेस देख लेते हैं फिर। तो केस नंबर टू, लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड्स, लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड्स, अपवर्ड्स, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज ऊपर तब जाती है जब नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में हो, कोई भी चीज नीचे तब आती है जब नेट फोर्स नीचे के डायरेक्शन में हो। यहाँ पे लिफ्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर, एक्सेलरेशन कहाँ होगा, ऊपर, तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, विच फोर्स माइनस विच फोर्स, एन माइनस एम जी। ऑलवेज रिमेंबर, एनी ऑब्जेक्ट विल गो अप इफ एंड ओनली इफ द नेट फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। और सोचना भी क्या है इतना, हमने तो वेक्टर्स में सीखा था, अगर ये वेक्टर है एन और ये वेक्टर है एम जी, व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, एन माइनस एम जी, क्योंकि बड़ा वेक्टर कौन है, एन है। तो अभी सिर्फ याद रख लेना, एनीथिंग गोइंग अप, एनीथिंग गोइंग अप, नेट फोर्स इज अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, नेट फोर्स इज अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, व्हाट इज नेट फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर एन माइनस एम जी, एम जी को यहां लेके आ जाते हैं, तो एन क्या आ जाएगा, एम जी प्लस एम ए, एन क्या आ जाएगा, एम जी प्लस एम ए। व्हाट वाज एन, ये क्या था, एपरेंट वेट, एम जी क्या था, एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट में तुम कुछ ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो ना, एक्चुअल वेट में तुम कुछ ऐड कर रहे हो, और तब जाके क्या बन रहा है, एपरेंट वेट। तो व्हेन यू आर इन अ लिफ्ट व्हिच इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, हम पहले स्टेशनरी लिफ्ट में थे, वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो गए थे, 70 दिखा रहा था, अब मैंने बटन दबाया, लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप, पहले लिफ्ट मूव हो रहा था क्या, नहीं, वेलोसिटी कितना था, जीरो, एक्सीलरेशन कितना था, जीरो। जैसे ही बटन प्रेस किया क्या हो रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है,
मतलब एक्सीलरेशन है क्या? है। तो मोमेंटरीली थोड़े टाइम के लिए आपको वो जो वेइंग मशीन था अभी 70 के ऊपर रीडिंग बताएगा, मे बी 72, मे बी 75, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए। तो व्हेन यू आर इनसाइड अ लिफ्ट व्हिच इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। तो टेंशन मत लेना, आपका वेट बढ़ा नहीं, नहीं तो चिंता हो जाएगी, अरे वेट बढ़ गया। नहीं, वेट नहीं बढ़ा, फिजिक्स है, फिजिक्स, अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। और वो थोड़े टाइम के लिए ही होता है, क्योंकि लिफ्ट एक बार चलना स्टार्ट हुआ, बाद में वापस वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है लिफ्ट का। फिर मतलब 70 दिखा रहा था, फिर 72 दिखाएगा, वापस 70 बन जाएगा, क्योंकि तुमने जब बटन प्रेस किया उतने थोड़े से टाइम के लिए लिफ्ट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, बाद में वापस क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट। अब आता है इसके बाद के केस में, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। केस नंबर 3, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। तो ध्यान दो, फिजिक्स समझेगा तो फिर तुमको हॉरर मूवी भी समझ में आएंगे। हाँ, डरना का नहीं, डरना मना है। लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड। कोई भी चीज डाउनवर्ड कब जाएगी, जब नेट फोर्सेस, नेट फोर्स इज डाउनवर्ड। तो क्या लिखूंगा नेट फोर्स को, एम जी माइनस एन, एम जी माइनस एन। बट व्हाट इज नेट फोर्स, एम इन टू ए, एम जी माइनस एन। व्हाट इज एन, एम जी माइनस एन ए। यहाँ पे अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस समथिंग। तो जो भी तुम मेजर करोगे वो रियल वेट से कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। तो अपेरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट, मतलब जब, व्हेन यू आर एक्सर्टिंग डाउनवर्ड्स इनसाइड अ लिफ्ट, व्हाट यू मेजर इज लेस देन एक्चुअल वेट, तो आपको आपका वेट थोड़ा कम लगेगा, बराबर, थोड़ा कम मेजर करोगे। और लास्ट केस इज वेटलेसनेस। हाँ, बल बाय द वे, इन सबका डिटेल्स हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कवर करते ही है, अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। लास्ट केस इज वेटलेसनेस, डेंजरस है ये, वेरी डेंजरस। हमारे पास एक लिफ्ट था विच वॉज कमिंग डाउन, और ऊपर से किसने रस्सी काट दी, और आपने अभी देखा, अभी क्या देखा तुमने, वॉट इज नेट फोर्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन, क्या लिखते हो, एम जी माइनस एन। ये हो गया एम ए इक्वल टू एम जी माइनस एन, तो एन क्या आ गया, एम जी माइनस एम ए। अगर किसी ने रस्सी काट दिया उसको बोलते हैं फ्री फॉल, क्या बोलते हैं। तो अगर लिफ्ट का ही एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, क्योंकि तो किसी ने अगर वो तार को काट दिया ना, तो जो लिफ्ट है इट विल फॉल फ्रीली। फ्री फॉल मतलब होता है ए की वैल्यू क्या हो जाती है, जी, करेक्ट। अगर ए की वैल्यू जी हो गई तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो व्हाट यू विल फील इज नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो, मतलब यू विल फील एज इफ यू डोंट हैव एनी वेट थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि एक बार लिफ्ट नीचे क्रैश किया, लिफ्ट नीचे, आत्मा ऊपर, दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।